हैप्पी दिवाली मम्मी। देखो गाइस, बेचारा सामान ढो रहा है और पत्नी यहाँ पे मस्त शॉपिंग करने में लगी है। मम्मी कह रही है एक हमारा दिवाली गिफ्ट था, हाँ, तो फिर मैं ये वाली लूंगी। टीकाल जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। मैं हो गई हूँ रेडी, बहु मोड ऑन हो चुका है और मैं जा रही हूँ अपनी चाचू माँ से मिलने। आज हम जा रहे हैं उनको दिवाली देने और उनसे दिवाली लेने भी, ऑफ कोर्स। हमारे शादी का पहला साल है गाइस, तो हम जगह जगह जाके लिफाफे इकट्ठे कर रहे हैं, हमको बहुत महसूस हो रहा है। और ये रहा मेरा जेठालाल पति। हम जा रहे, रेडी हो चुके, काफी लेट हो गए, सुबह क्लास ले ली, पार्सल रेडी कर दिए, कशिश और ऋतिक पीछे से मेरा बचा हुआ काम मैनेज कर रहे हैं। नोटिस करो गाइस, मेरे न्यू इयररिंग्स जो मेरी चाचू माँ ने दिए हैं। मैंने सोचा कि आज मैं उनसे मिलने जा रही हूँ तो पहन के जाऊँ ताकि मम्मी देख के खुश हो कि एने तो पा भी लेते। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ गाइस और मैं कोशिश ये करती हूँ कि लाल सूट पहनूँ जितना हो सके, क्योंकि अभी नई नई शादी है, अभी एक डेढ़ साल अच्छा लगता है, फिर उसके बाद रेड कलर अवॉइड ही करते हैं, मैंने बहुत ब्राइट लगता है, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाल पहनूँ ज़्यादा से ज़्यादा जब मैं मम्मी से मिलने जा रही हूँ। तो मैं बन चुकी हूँ यहाँ पे लाल लाल टमाटर। और कुछ और भी हमने प्लान कर रखा है आज के लिए, बट अभी हम श्योर नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो जैसे जैसे होता रहेगा हम आपको बताते रहेंगे। वो वाला दे दिया है मम्मी को ऑलरेडी करवा चौथ पे, तो वो सेम मिठाई क्या क्या करेंगी, मिक्स वाला ले लेती हूँ किलो का। हाँ ठीक है, ये ले लो। जो पिछली बार लड़वाई ना वो नहीं डरवाती, वो अवॉइड करती है, इतनी मिठाई क्या करेंगे ना। ठीक है ठीक है। सो गाइस, हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब मैं बहुत कॉन्शियस हो रही हूँ, मेरे ब्रेकआउट इतना ज्यादा हो गया ना। ना मेरे ख्याल से कोई ना कोई गलत कोई प्रोडक्ट मैंने करवा चौथ तक, हाँ। बिल्कुल मेरा फेस साफ था, उसके बाद कुछ तो गड़बड़ हुई है, हाँ। पूरा ब्रेकआउट हो गया इधर, हाँ। से और मेरे को बहुत अजीब लग रहा है। लगेगा इसको हफ्ता रहने से लगेगा, ठीक हो जाएगा ये। तू ज्यादा कॉन्शियस मत हो, अपनी शक्ल ना दिखूं मैं। नहीं, लेकिन जितना सोचेगी ना उतना कॉन्शियस होगी, मेरा कहने का मतलब ये है। हम भी चले भीड़ का हिस्सा बनने। भाई साहब, इतनी भीड़ कैसे आ गई, वो भी इस टाइम। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हम तो नेक्स्ट जल्दी ढूंढ कहां खड़ा होने, अगली में जाएंगे। जो फीमेल डब्बा है ना उससे एक डब्बा पहले, ठीक। जल्दी चल, उसके बिल्कुल गेट के बाहर जाके खड़ी रहूंगी मैं। करेगा मेरे को नहीं, खुदाऊं तेरे को। मैं तो परेशान हूं तेरे को, मैं तुझे क्या लगा मैं जा रही हूं कूदने, तेरे को धक्का मारूंगी मैं क्यों गिरूंगी। गिरे मेरे दुश्मन, गिरे जो मुझे परेशान करते। चल चल अनिल कपूर, चलते अनिल कपूर छाती के बाल। चल चल, आ गई मेट्रो, आ गई। चलो 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 चलो, मुसी बस घुस जाना और सीट खाली। अंकित 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 खाली, अंकित वी गॉट टू टेक द सीट। चल चल चल, ये वाली उधर वाली लेंगे, उधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, देनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा 2 मिनट का पे, 2 मिनट भी नहीं हुए गाइस, 1 मिनट 30 सेकंड में ही आ गई थी। ये मेरा पतीसा, लोगों को नहीं पसंद है पर मेरा को बहुत पसंद है पतीसा। ना मुझे भी बहुत पसंद है, हल्दी रंग का पतीसा बहुत अच्छा। लोग कंफ्यूज रहते हैं पतीसा सोन पापड़ी में, हां दिस इज रियली अमेजिंग, हां। सो गाइस, हम ऑलमोस्ट पहुंच गए और मम्मी के लिए थोड़ा सा सामान लेना रह गया था, हां। हमने सोचा यहीं आके ले लेंगे, इतनी दूर से कहां से ढोके लाते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंचने वाले हैं घर, रेडी बैठी है मम्मी। पहले रेडी बैठी है मम्मी। नमस्ते, देख रही हूं मैं क्या, इतनी धीरे धीरे चल रही थी मेट्रो। नमस्ते, हमारे चक्कर में फ्रूट खा के बैठी है, खाली फ्रूट खा लिया, एक संतरा खा लिया। हमें इस चक्कर में कुछ नहीं खाया कि मम्मी के साथ जाके ठूसे गए, इतना लेट हो गया आते आते ना। चल लहसुन खुशबू आ रही है, तुम्हारी फेवरेट पकौड़ियां बनाई हैं। लहसुन की खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, नई पकौड़ियां बनाई हैं। पर लहसुन यूज हुआ है किसी चीज में, है ना। मैं देखो कुत्ते वाला लग रहा है। मम्मी ने बनाया पकवान, मम्मी ने बनाई, क्या बनाई बताओ। ये मूंग की दाल की पकौड़ियां और पाव भाजी। ये मम्मी के हाथ की पाव भाजी खाई है, मेरे को पता नहीं कितना टाइम हो गया, मैंने कभी भी नहीं खाई। मैंने नहीं खाई। ये है ये मूंग की होती है ना, पापा को बहुत पसंद थी, है ना। हाँ, पापा को, पापा मम्मी ने बताया था एनिवर्सरी पे खाते थे, बहुत पसंद थी। जब भी आते हैं VIP ट्रीटमेंट, क्या मम्मी बढ़िया बैठ के खाना खिलाती है। क्या जब चौकी चढ़ाना था ना, तब भी मम्मी ने वहां से बुलाया, सारी तैयारी करके रखी थी, ड्राई फ्रूट वगैरह मेरे को।
मम्मी ने हलवा भी अपनी रेसिपी का बनाया, मेरे से नहीं बनवाया। खाली हाथ लगवा दिया। हाँ, बस हाथ लगा दो, अपने हिसाब से पानी डलवाया, अपने हिसाब से सूजी, मुझसे कुछ नहीं कराया। मैंने कभी काम नहीं किया ना रसोई में। इस रसोई में चाय बनाई है तुमने? चाय बनाई है। बस खाना यहाँ से उठा के अंदर रखा है, वहां से उठा के इधर रखा है, बस काम नहीं किया। कुछ काटने प्याज वगैरह कुछ काटने? मैं काटू? ला दो। मुस्कान का रोने का टाइम शुरू। पहले अब हम पाव भाजी ग्रहण करेंगे जो मम्मी ने बनाई है। और यहाँ मेरा पति भी आ गया है पाव भाजी लेके और प्याज ने काट लिया है। रोना धोना सेशन ओवर। रोई नहीं मैं, मम्मी ने करवा चौथ पे देख लिया है, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, फैंटा भी मंगा रखी है हमारे लिए। आज हम घूम के दूसरे साइड आ चुके हैं इस गेम के। आज मम्मी ने बनाया है और हम टेस्ट करके बताएंगे कि कैसा बना है। अच्छा पकौड़ियाँ भी ले आई मम्मी, और पकौड़ियाँ ले आई है। ये खाई जाती है, इनका पता ही नहीं चलता है, तेरा मर्जी खाओ, है ना? टेस्ट टेस्ट ठीक है। ओए जबरदस्त, मजा आ गया। पाव भाजी और छोले भटूरे। कितने दिन बाद खा रही हूँ मैं, पता है? हाँ हमने पाव भाजी बहुत दिन से खाई, बहुत टाइम से नहीं खाई, घर की बनी हुई नहीं खाई। चाय का टाइम हो गया, नींद आने लग गई है, तो अब हम चाय पी रहे हैं। यहाँ पे दिवाली देने आए थे पर हमने यहाँ पे अपना पेट भर के खा लिया है और निकाल रहे थे। मम्मी कह रही है मम्मी कह रही है अप्पा कुछ जाना, कुछ नाल नहीं लेके जाना, ऐसे ही खाओ ऐसे ही काट दो। यो अब जो करने आए थे वो कर ले, दिवाली दे ले पहले, गायब करो। मम्मी ने बोला ले लो। मम्मी बोल रही है तू ले जा। मम्मी कह रही है एक हमारा दिवाली गिफ्ट था। हाँ, तो फिर मैं ये वाली लूंगी, ये अच्छी लग रही है। मेरे को फिर से चॉइस करने को मिल गई गाइस। कल भी मैंने चूज करके लिए, अच्छी है, मोटी चादर है यार। चलो मुझे तो मेरा दिवाली गिफ्ट पहले ही मिल गया, अभी तो हमने दिया नहीं, ले पहले लिया। हमेशा आऊं कितना है। अब देखो हमारी चॉइस धीरे धीरे मिलनी शुरू हो रही है। अब हमें पता चल रहा है कि इनको क्या पसंद आएगा, इनको पता चल रहा है हमें क्या पसंद आएगा। चलो मम्मी को दिवाली देते, पहले मम्मी की साइड वाली दे देते हैं, ठीक है? चलो जी हैप्पी दिवाली, ये मेरी मम्मी की तरफ से है, तो मैं समधनों की तरह गले भी मिल लेती हूँ। बड़ा जल्दी जल्दी मम्मी आ जाती, मम्मी को आना था पर कल ना उनका अर्जेंट ऑर्डर आ गया कोई बहुत ज्यादा, तो पूरी रात बैठ के वो काम करती रही, सुबह वो गया, सुबह सोई, फिर हमने उठाया नहीं। हमने कहा चल कोई नहीं, रेस्ट करने दो, हम हो आएंगे। फोन करके गालियां दे रही थी उनको, चले गए बिना जगह चले गए। मम्मी है चाचू माँ बोलती है हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मम्मी। हम आपके लिए गिफ्ट ले लाए क्योंकि हमको ये था कि आप अपने हिसाब से जो मन करे ले लेना, तो हम रोकड़ा लाए। हमको पता है हम सूट दे दे के और मिठाइयां दे दे के हमको समझ में नहीं आ रहा क्या दें। ये मीठा और नमकीन, सर्दियों में खाना गरम रह रहा। अब मैं जानबूझ के आपके लिए मीठे बिस्किट नहीं लेके आया, चलो। बड़ा छोटा प्लान बनाया पर हमने इस बार, दाने इतने हो रहे हैं मुंह पे खा खा के ना। हाँ ये चॉकलेट खा लूंगी मैं, खा लेंगे। खाओ ते बिछाओ। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। ये खाओ ते बिछाओ। ठीक है, एक आधी ते को भी दे दूंगी मैं इस वैसे। हाँ ठीक है। चलो मुंह मिठा भी हो गया तो अपनी पसंद की चादर भी मिल गई। यस। कमाईया हो चुकी है गाइस, जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है। तो गाइस ये था मम्मी के साथ में हमारा दिवाली का आदान प्रदान। मम्मी से मिलना था तो बातें करी, बातें करी, यहाँ पे आना बहुत जरूरी था, प्लान पोस्टपोन पे पोस्टपोन हुए जा रहा था। कभी वीकेंड इस वीकेंड आते हैं, फिर नहीं उस वीकेंड आते हैं, फिर नहीं इसकी छुट्टी है, नहीं उसकी छुट्टी है। आज फाइनली हमने किया कि नहीं कोई बात नहीं, चाहे थोड़ी देर के लिए जाएं, लेकिन आज हम जा रहे हैं। पर मम्मी तब भी निराश है, मम्मी कह रही थोड़े लंबे टाइम के लिए आ। हाँ मम्मी पूरी वीकेंड के लिए आओ। मम्मी का भी टाइम हो गया है अपना स्टोर लगाने का और हमें आगे मार्केट जाना है, तो हम अब यहाँ से निकल रहे हैं। तब तक मम्मी को बोलो बाय बाय। मम्मी बाय बाय कर दो, हमारे हमारे व्यूअर्स को हैप्पी दिवाली तो बोल दो। हैप्पी दिवाली सबको। चलो आप ले लो ना, क्या लोगे? हाँ मेरे को वो डब्बे भी है क्या सेल के? हाँ खाली। सच में ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गांव वापस आ गई हूँ। इतने फ्रेंडली लोग हैं यार, वहाँ पे हमने इतने किलो की इतनी महंगी मिठाई बनवाई, उसने कपड़े का थैला तक नहीं दिया। स्माइल नहीं और यहाँ सिर्फ हमने ट्रायल के लिए काजू बादाम मांगे, भैया ने मुट्ठी भर के दे दिए खाने के लिए। दिल्ली दिल्ली है यार। देखो छोटी सी गली है लेकिन लाइटें सारी की सारी जलना शुरू हो गई है। हैप्पी दिवाली भाई। एक दिन के लिए आओ ना तो बंदा खुश रहता है। हाँ ठीक है, यहाँ तो मैं बड़ा हुआ हूँ। कभी कभी ये कंजेस्टेड गली बहुत अच्छी लगती है।
डिसअपॉइंटेड बट आई एम रियली हैप्पी फॉर यू. यू जस्ट कम्प्लीटेड योर कोर्स लाइक 3 days अगो. यू ऑलरेडी गॉट एन ऑर्डर. इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो. ओके इज कॉलिंग मी टू टेल मी यू नो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग. आई सेड व्हाट एवरीथिंग ओके. यू सेड I got my first order already. I haven't even built my kit. I got the order. और अभी उसने अपना name भी decide नहीं किया business का. That's so awesome. And that she is calling to tell me and celebrate with me. Can you imagine how good this is? How good this feels? मुझसे तेरी गलियाँ. आ गई मेरी गलियाँ. अरे यार बोला मत कर बस. Emotional हो जाती हूँ मैं यहाँ आती. अगर मुझे ऐसे कोई बोल दे तो. नोएडा की शांति अलग है. नोएडा की बात अलग है. दिल्ली की चहल पहल अलग है. दोनों जगहों का कंपैरिजन नहीं है. तो भीड़ ही नहीं है यहाँ पे. इतने सालों में मैंने कभी इतनी खाली नहीं देखी मार्केट. दिस इज सो आई थिंक आज हम आ रहे थे ना तो इन्होंने थोड़ा रास्ता मार लिया खाली कर रखा है. इनको खाली खाली आदत हो गई है. ब्लॉगर्स आ गए. वरना सच में यहाँ पे ना चलने की भी जगह नहीं होती. यहाँ पे इतनी भीड़ होती है. तो अभी हम जा रहे हैं भगवान जी के लिए कपड़े लेने क्योंकि दिवाली पे सब न्यू कपड़े पहनते हैं ना गाइस. हाँ. तो सबसे पहले भगवान जी के नए कपड़े लेंगे. हाँ. मेरे पास तो नया है. फिर आपके जीजू के लिए भी एक आधी बनियान ले लेंगे. नहीं एक घंटा हो गया आराम से. एक घंटा लग गया गाइस अपने भगवान जी के कपड़े ले लिए. लॉन्ग ड्यू था है ना. हाँ. क्योंकि अब देखो आगे न्यू ईयर भी आ रहा है और बार बार ना मेरा दिल्ली आना पॉसिबल होता नहीं. हाँ. और ये मेरी फेवरेट शॉप है. कितनी बड़ी दुकान थी. इतनी अच्छी दुकान थी. वहाँ पहली बार आया. मैं पहली बार आया. यहाँ पे क्या होता है ना पूरी थीम बन जाती है. समझ रहे तू. तुम मिक्स एंड मैच करके पूरा बना सकते हो. जैसे पिंक पार्टी ब्लू पार्टी हो जाती है. तो एक लंबा सा भगवान जी शॉपिंग हॉल आने वाला है. ये बेचारा गाइस तब से सामान ढो रहा है. मैंने कितना मेकअप किया हुआ था पर ग्लो मेरे फेस पे पैसा खर्च के ही आता है. किसी एकदम मेरा मुंह चमक रहा है एकदम से. झरना यहाँ से देखते हैं. मैं इनसे पिछली बार भी लाइटें लेके गई थी. यहाँ से ली थी. हमारी दिवाली नोएडा में हो रही है पर सामान हम दिल्ली से लेके जा रहे हैं. कितने की लगेगी ये लंबी चलेगी ना. खराब तो नहीं हो जाएगी. हम तो रोज उतारते हैं इसको. वॉम व्हाइट तो नहीं ना. व्हाइट ऐसी मल्टी कलर. मल्टी कलर यही दे. एक ऐसा बल्ब भी आता है ना जो ऊपर घूमता है. वो लट्टू नहीं है. अरे वो तो पुराने जमाने की चीजें हैं. ओ हमने तो लिया ही नहीं. वो पुराना भी हो गया. और क्या हो गया. हैप्पी दिवाली. हैप्पी दिवाली. हमने लाइटें ले ली फाइनली दिल्ली से. जय दिल्ली की. को कहते हैं पत्नी व्रता पति. ये देखो गाइस बेचारा सामान ढो रहा है और पत्नी यहाँ पे मस्त शॉपिंग करने में लगी. दुकान वाला भी हंस रहा था. आई वॉन्ट टू यूज मोर ऑफ एलईडी दिस टाइम और लेस ऑफ एलईडी and more of natural more of diyas. हाँ. diyas or candles. हाँ. basically print बताना कौन सा अच्छा लग रहा है. मेरे को ये वाला अच्छा लग रहा था क्रीम वाला. हमने चादर ले लिया गाइस. चादरें तो लेनी पड़ती है क्योंकि दिवाली आ रही है. तो चादरें so much fun coming back to the area. so much fun. इतने लोग मिल रहे गाइस. इतने लोग मिल रहे हो तो अच्छा लग रहा है. पता है कितने टाइम से सबसे नहीं मिली थी मैं. और ऐसे bumping into friends and family it's just so much fun. people are happy to see you. आपको बस में खुली बन के मजा आ रहा है. एंजॉयिंग इट. यस बहुत ज्यादा. यस यहाँ पे हम लोग शादी से पहले कई बार आए हैं. मैं मुस्कान इनफैक्ट मम्मी के साथ भी आया हूँ मैं यहाँ पे बहुत बार. वो ये जगह बड़ी बदल गई है. लाइटें भी पूरा इंटीरियर चेंज हो गया है. इतना तो टाइम नहीं हुआ हमें. कुछ ही महीने हुए लेकिन सब कुछ बदल गया. ऐसे ही होता है ना. तुम देखो कुछ ही महीनों में मीडियम से हो नहीं गया डबल एक्सेल. डोसा एक मंगाया है पर सांभर दो आए हैं. जब भी मैं दिल्ली आती हूँ ना मेरे पास लिस्ट होती है कि मुझे क्या क्या खाना है. बट मैं आते ही सब पूछ जाती हूँ क्योंकि इतना कुछ खाना होता है कि पेट में जगह नहीं होती बिल्कुल. फाइनली हम टूट के पड़ने वाले हैं. हमने कितनी डेट्स करी हैं यहाँ पे. बहुत सारी. इनफैक्ट ये सबसे पहले रेस्टोरेंट में से था जहाँ पे हम आए थे रमेश नगर. सेम ओल्ड. मम्मी इतना चिड़ेगी ना देख के. हाँ ना. मम्मा का फेवरेट प्लेस है ये. चुम्मेश्वरी डोसा. चलो जी खाना पीना हो गया है. हेयर टाइड इन अ बन क्योंकि बस बहुत हो गया हीरोइन बनना. अब मैं थक चुकी हूँ. और जैसा कि मैंने आपको घर से निकलने से पहले बताया था कि प्लान तो है और भी कुछ करने का बट पता नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं. तो हम वो एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं. वो प्लान ये था कि वी वर अबाउट टू गो सरप्राइज प्रीति. है ना बेबी. यस.
Yes, so मैं बहुत टाइम से प्रीति के घर नहीं गई हूँ. लास्ट हम प्रीति के घर गए थे अप्रैल में. जब उसने हमें शादी के बाद फर्स्ट लंच पे इनवाइट किया था घर पे. और कल ही मेरी आंटी से बात हुई. आंटी का बर्थडे था तो आंटी कह रही थी बेटा घर आ जाओ एक बार के बाद तुम्हारा आए भी. आई एम जस्ट ग्लैड दैट फाइनली वी हैव डिसाइडेड टू गो मीट हर. आई एम श्योर शी विल बी हैप्पी. आज वो भी दिवाली शॉपिंग पे गई हुई थी इसलिए हम यहाँ पूरी शाम से भटक रहे हैं कि वो जब घर आ जाएगी तब जाएंगे. सो स्टे ट्यून्ड टू सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट व्लॉग वेयर वी आर गोइंग टू प्रीति. Bye bye. Bye bye.